सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम यूपी टेट, सी टेट इन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, तो इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो है वो देखा था, बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी का। अगर आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5, उसके अंतर्गत टोटल हम 30 प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है आपका, जो मानव विकास है वो क्या ऐसा है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है या दोनों है। तो BTC के लेवल पर आपने ये पढ़ा भी होगा प्रश्न कि जो मानव विकास होता है वो आपका मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है, यानी आप कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न 2 देखते हैं, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यकाल से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, शैशव काल से या पूर्व बाल्यकाल से। तो विकास जो है शुरू कहाँ से होता है, यदि आपने फर्स्ट चैप्टर जो हमने बात की थी टॉपिक वाइज में बाल विकास वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर हमने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो प्रसव पूर्ण अवस्था है वहीं से जो है जो बालक है, जो शिशु है, उसका जो है वो विकास स्टार्ट हो जाता है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 है आपका, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, या चौथा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। आपको बताना है कि जो मानव विकास है उसको क्षेत्रों में जो है वो विभाजित किया जाता है, जो है वो इनमें से क्या होगा। 4 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दे रखे हैं। तो बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, कौन सा सही होगा। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, ये जो है वो मानव विकास के जो है वो क्षेत्र आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न 4 देखते हैं, बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य जो है वो शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, ये कथन जो है वो किसका है। इस टाइप से प्रश्न पूछा गया, परंतु आपके ऑप्शन जो है थोड़े से अलग टाइप से हैं। ऑप्शन आपके कह रहा है कि ये गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। दूसरा आपका ऑप्शन है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तीसरा ऑप्शन है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ भी जो है वो अंतः संबंधित है। और चौथा ऑप्शन है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो आपको बताना है बच्चे के साथ उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। तो बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये जो है वो सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ भी जो है वो अंतः संबंधित है। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया गया, यहाँ पर ये कथन जो है वो नहीं होगा, किसका नहीं पूछा जाएगा, ये कथन जो है वो हो सकता है, इस टाइप से आपका प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका जो है आपका नहीं आएगा। बात करते हैं चलिए अगले प्रश्न 5 की, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का या संवेगात्मक विकास का। तो अवधारणाएं जो होती हैं उसका विकास मुख्य रूप से जो है वो किसका हिस्सा होता है, ये आपको बताना है। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बौद्धिक विकास का। जो अवधारणाओं का विकास होता है वो किससे रिलेटेड होता है, आपके बौद्धिक विकास से। अगला प्रश्न 6 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने जो समवयस्क समूह हैं उसके सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, किशोर काल, प्रौढ़ काल, पूर्व बाल्यकाल या बाल्यकाल। आपको बताना है किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। 4 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दे रखे हैं। आई होप अब तक आपने जो है वो सोच लिया होगा। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि किशोर काल, जिसे हम किशोरा अवस्था भी जो है वो कह
कहते हैं। इसमें जो बच्चे हैं वो अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न 7 देखते हैं कि बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है। पहला ऑप्शन है आयु के साथ होने वाले बदलावों का क्या स्वरूप होता है। दूसरा ऑप्शन है बालक में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनका विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। तीसरा है बालकों में पाई जाने वाली जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उसके लिए किस प्रकार के आनुवांशिक एवं परिवेश जन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। तो आपको क्या बताना था, आपको बताना था निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है बाल विकास में। ऑप्शन है आपके ए व बी, बी व सी, ए व सी या आपका ये सभी। तो ये जो है आपका प्रश्न है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम आउट जूम इन कर देता हूँ जिससे कि आप जो है वो सही तरीके से इसको पढ़ सकें। तो बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये सभी आपके ए बी सी तीनों ही जो है वो सही हो जाएंगे। बाल विकास के अध्ययन में जो है वो सभी को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न 8 देखते हैं कि विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों व्यक्ति व्यवहार इत्यादि का विकास भी जो है वो शामिल है। ए ऑप्शन है आपका, यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स आप देख रहे हैं वो बताना है, दृष्टिकोणों स्वभाव रुचियों और आदतों। तो विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोणों स्वभाव रुचियों या आदतों में से कौन सा जो है वो आएगा। ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना है ए व बी, ए बी व सी, बी सी व डी या ये सभी। चार ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर दे रखे हैं। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, तो विकास की प्रक्रिया में आपका जो है वो दृष्टिकोण भी आता है, स्वभाव भी आता है, रुचियाँ भी आती हैं, आदत भी आता है, यानी कि आपका ऑप्शन 4 जो है ये सभी जो है वो सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं चलिए अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न 9 आपका कह रहा है इनमें से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। छोटे बच्चों को लेकर बात की जा रही है और उनके मानसिक और संज्ञानात्मक यानी कि जो बोध होता है उस पर आधारित विकास में सर्वाधिक मददगार जो है वो क्या होता है। सामाजिक, शारीरिक, सांवेगिक या भाषाई। तो यहाँ पर इन दो जो पॉइंट हैं इनको ध्यान में रख के जो है आप अपना उत्तर जो है वो डिसाइड कीजिएगा। सामाजिक, शारीरिक, सांवेगिक या भाषाई। बात कर लेते चलिए उत्तर की, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शारीरिक विकास। बात करते हैं चलिए अगले प्रश्न 10 की, इनमें से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है आपको बताना है। वृद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता या इनमें से कोई नहीं। तो बालक का जो सामाजिक विकास होता है उसको क्या नहीं प्रभावित करता है ये आपको बताना है। तो कहीं ना कहीं यदि आप वृद्धि को देखेंगे तो ये करता है, तर्क शक्ति आपका ऑलरेडी करता है, बौद्धिक विकास को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, भाषा प्रयोग की क्षमता तो सामाजिक विकास को काफ़ी प्रभावित करता है क्योंकि आप समाज में रहकर ही जो है अपने जो विचार हैं वो प्रकट करते हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से कोई नहीं, यही जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न 11 की, बाल विकास में विभिन्न आयामों एवं उनके अधिगम के संबंध के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है या असत्य है। बाल विकास के जो विभिन्न आयाम हैं और उनके जो अधिगम के संबंध हैं उसके संदर्भ में जो है यहाँ पर पूछा गया है। चार ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है विकास के विभिन्न आयामों को आपस में या आपस में जो है इनका घनिष्ठ संबंध है एवं ये अधिगम को जो है वो प्रभावित करते हैं। दूसरा है बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। तीसरा है आपका शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहीं ना कहीं इस टाइप के प्रश्न आपको सीटेट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो सीटेट भी आपका दिसंबर 2019 का आ रहा है तो दोनों ही इसमें जो है प्रश्न आपके कवर हो रहे हैं। तो आपको बताना है बाल विकास में विभिन्न आयामों एवं इनके अधिगम के संबंध में या इनके अधिगम के संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही
नहीं है। बात कर लेते चलिए उत्तर की, तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई भी कथन जो है इनमें से असत्य नहीं है, ये सभी जो है आपके सत्य लिखे हैं। बात करते हैं चलिए अगले प्रश्न 12 की, कि मानव का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होता है, उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, या उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। आपको बताना है कौन सा सही होगा, कि मानव का विकास किस पर जो है वो डिपेंडेंट होता है। तो बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर, यही जो है आपका सही हो जाएगा। वृद्धि तो होता ही है, वातावरण भी होता है, जब आप चौथे ऑप्शन में वृद्धि और वातावरण दोनों ही देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 देखते हैं, कि मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति जो है वो परिपक्व हो जाता है, बाल्यकाल, शैशव काल, प्रौढ़ काल या किशोर काल। तो किस अवस्था के बाद की बात जो है यहाँ पर पूछी जा रही है, कि मानव विकास के कि जो किस अवस्था है उसके बाद व्यक्ति जो है वो परिपक्व हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर जो है अपना उत्तर सोचिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि किशोर काल, यही जो है आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न 14 की, कि किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की जो प्रवृत्ति है वो पाई जाती है, किशोर काल में, बाल्यकाल में, शैशव काल में, या इनमें से कोई नहीं। तो किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, ये जो है आपको बताना है। ए बी सी डी चार ऑप्शन है, आपको बताना है किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की जो है वो प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक भी जो है वो जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से अच्छे प्रश्न जो है आपके लिए ला सकें। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जो है वो ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा और दोस्त हैं जो भी आपके BTC, BEd, DLed कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, जो कि टेट की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी कर रहे हैं, उनको वीडियो भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिए। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, सही उत्तर कौन सा होगा, तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि किशोर काल। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, किशोर काल में जो है वो पाई जाती है। अगला प्रश्न 15 देखते हैं, कि इनमें से कौन प्रारंभिक बाल्यकाल अवधि के दौरान समूह की स्वीकार्य भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, या माता पिता एवं भाई बहन। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन प्रारंभिक बाल्यकाल अवधि के दौरान समूह की स्वीकार्य भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जो है वो जानकारी प्रदान करते हैं। बात कर लेते हैं उत्तर की, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि माता पिता एवं भाई बहन। अगला प्रश्न 16 देखते हैं, इनमें से कौन आयु समूह परवर्ती बाल्यकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है, 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, या 6 से 11 वर्ष। तो समूह परवर्ती बाल्यकाल श्रेणी की बात जो है यहाँ पर की जा रही है। तो बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 6 से 11 वर्ष जो है वो आपका समूह परवर्ती बाल्यकाल श्रेणी के अंतर्गत जो है वो आता है। अगला प्रश्न 17 देखते हैं, इनमें से कौन बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वोपयुक्त है, कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों जो अध्यापक है उनकी कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य, ये तो आपका ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि हमको निगेटिव जो है वो नहीं सोचना है, कक्ष का नियंत्रित परिवेश या कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो आपको बताना है कौन जो है वो बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सही होगा, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कक्ष का जो है वो प्रजातांत्रिक परिवेश। अगला प्रश्न देखते हैं 18 की, 15 वर्षीय संजीत अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, ये विकसित कर रहा है, इसमें बताना है आपको क्या होगा, स्वायत्तता, नियमों के प्रति घृणा, किशोरावस्था, अक्खड़पन या परिपक्वता।
तो 15 वर्षीय संजीत अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। ये जो है वो क्या विकसित कर रहा है ये आपको बताना है। बात कर लेते हैं, चलिए उत्तर की। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि नियमों के प्रति घृणा, यही जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 19 संज्ञानात्मक विकास इनमें से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, तीसरा ऑप्शन है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण जो वातावरण है वो उपलब्ध कराना, या संयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। बात कर लेते हैं उत्तर की। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न 20 कह रहा है कि सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक व औपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता जो है वो क्यों आवश्यक है? उनके शारीरिक विकास के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए, उनके सामाजिक विकास के लिए, या उपरोक्त सभी? तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो है वो सभी पक्ष आ जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 देखते हैं, कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक जो है वो उपयुक्त होगी? बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंत संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी ये जो है आपको बतानी है। बात करें उत्तर की, कौन सा सही होगा? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। अगला प्रश्न 22 देखते हैं कि आपकी कक्षा का जो छात्र है वो संयम शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, आपको विकास के इनमें से किस आयाम में संयम के पिछड़े या पिछड़ने की जो है वो चिंता हो सकती है? उसका संवेगात्मक विकास, उसका बौद्धिक विकास, उसका सामाजिक विकास, ये जो है वो 3 पॉइंट दे रखे हैं, और नीचे जो है वो आपके जो ऑप्शन है वो दे रखे हैं, केवल ए, केवल बी, ए व सी, या ये सभी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये सभी। अगला प्रश्न 23 देखते हैं, अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए आप इनमें से जो है वो क्या चुनेंगे? प्रत्येक माह उनकी लंबाई नापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले बदलावों की जांच करेंगे, या प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले बदलाव की जांच करेंगे? बात करें चलिए उत्तर की, कौन सा सही होगा? सभी प्रश्न में मैं लगभग 5 से 10 सेकंड जो है आपको समय दे रहा हूँ। बात करें उत्तर की, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक माह उसकी उनकी जो रुचियाँ हैं, आदत हैं, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले जो बदलाव हैं उनकी जाँच जो है वो करेंगे। अगला प्रश्न 24 देखते हैं कि बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे जो है वो प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को, 3 पॉइंट हमारे दे रखे हैं, और ऑप्शन है केवल बी, ए व सी, बी व सी, या ये सभी। तो चलिए बात करें उत्तर की, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये सभी जो है आपके आ जाएंगे। अगला प्रश्न 25 देखते हैं कि वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है वो सत्य है, ये आपको बताना है। पहला कथन है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र जो है वो असीमित होता है। दूसरा आपका ऑप्शन है, विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि जो है इसका एक भाग होता है, कहीं ना कहीं ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। फिर है, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है, तो ये भी आपका हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, बी व सी जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, यही जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 26, मानव विकास के किस काल में बच्चों के सीखने की गति जो है वो सर्वाधिक होती है? बाल्यकाल, शैशव काल, प्रौढ़ काल, या किशोर काल? आपको बताना है कि मानव जो विकास है उसके किस काल में बच्चों के सीखने की गति जो है वो सर्वाधिक होती है? बात करें उत्तर की,
सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर टू, यानी कि शैशव काल यानी कि शैशवावस्था जो है इसी में जो है वो आपका हो जाएगा। मानव विकास के किस काल में जब बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक पूछी जाए तब जो है आपका यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 देखते हैं, इनमें से कौन से सिद्धांतकार का यह मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बंडूरा का है, मैस्लो का है, स्किनर का है या पियाजे का है? बात करें उत्तर की, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर टू यानी कि मैस्लो का जो है ये हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 देखते हैं कि इस स्थिति से अवगत हो ले, ये आपका प्रश्न जो है वो सीटेट का कहीं ना कहीं आया है। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, दो वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना जो तनाव है वो चिल्ला कर व्यक्त नहीं करता है, अपितु उसके कंधे व जो गर्दन है उसकी पेशियाँ तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का इनमें से जो है वो क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास भी जो है वो भिन्न रूप से होता है, या विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं? बात करने चलिए उत्तर की, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर टू यानी कि विकास जो है वो निरंतरीय होता रहता है। अगला प्रश्न 29 देखते हैं कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या घर में? बात करें उत्तर की, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर टू यानी कि विद्यालय एवं कक्षा में। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका 30 कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से जो है वो परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा व पर्यावरण, सभागार या घर? चार ऑप्शन जो है आपके यहां पर दे रखे हैं। और इसी के अलावा जैसे कि मैं सभी वीडियो में एक ना एक प्रश्न आपसे जो है वो ज़रूर पूछता हूँ, तो उसी के आधार पर आज के इस वीडियो का आपका प्रश्न इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। यहाँ पर जो आप संज्ञानात्मक विकास देख रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास आप जानते हैं जो चार स्तर बताए थे वो किसने बताए थे? जीन पियाजे ने। तो जीन पियाजे ने जो अलग अलग चार स्तर बताए थे उसमें किस स्तर में जो है आपको बताना है जो बालक है उसमें तार्किक चिंतन जो है उसकी क्षमता आ जाती है। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जो चार चरण बताए थे जीन पियाजे ने उसके अंतर्गत आपको बताना है तार्किक चिंतन जो है वो किस अवस्था में जो है वो बालक में विकसित हो जाती है। चार जो है आपकी अवस्थाएं थी, उनमें से जो नाम है वो जो है आपको कमेंट सेक्शन में लिख के टाइप करके बताना है। कहीं ना कहीं मैं एक प्रश्न इसलिए पूछता हूँ जिससे आप उसको नहीं पता है तो आप ढूंढने का ही, कई बार ऐसा होता है आपको ढूंढने में ही जो है काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं। उत्तर जो है मैं इसका कमेंट में ही दे दूंगा। बात कर लेते चलिए प्रश्न नंबर 30 के उत्तर की, कौन सा सही होगा? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर टू यानी कि विद्यालय एवं कक्षा वातावरण। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण आपका हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे टोटल 30 प्रश्न जो है वो समाप्त होते हैं। 30 में कितने प्रश्न जो है आपके सही रहे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। हालांकि सेट थोड़ा सा ये टफ टाइप का था, इसमें सीटेट के लेवल के भी क्वेश्चन थे, तो मुझे लगता है कि 25 जो है थोड़ा सा उससे नीचे ही इस बार जो सेट का स्कोर है वो सबका जो है वो गया होगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जो है अपना स्कोर जो है वो टाइप करके ज़रूर बताइए। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।